ओम नमः शिवाय। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष एवं वैद्य सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के पांचवी पीढ़ी के तंत्राचार्य शास्त्री लोकेश पागल। हाँ, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपके परिवार के सदस्य, आप मेरे परिवार हैं, मैं आपके साथ हूँ। मुझे आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए ही जन्मना पड़ा है, और आपकी प्रॉब्लम वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप मेरा परिवार हैं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। अगर कुछ भी कहता हूँ तो सिर्फ आपके लिए। आप बुरा न माने, आपको सुनना ही पड़ेगा। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अगर मुझे आप पराया समझते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। तो चलिए, पहले वायु तंत्र होता था, यानी हवा में ही सब कुछ खेल होता था। मारण प्रयोग, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, भाग्योदय, भाग को ब्लैक मैजिक करना किसी की किस्मत को। तो आज मैं वायु तंत्र दे रहा हूँ। तो वायु तंत्र अगर करते हैं तो बहुत लंबा समय विषय है उसका, लंबा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप कर भी नहीं पाएंगे। आज मैं आपको वायु संबंधित सीलिंग फैन का तंत्र दे रहा हूँ। पंखा जो आपके यहाँ ऊपर टंगा होता है, तो उसमें तीन पंखुड़ी होती हैं और तीन पंखुड़ी के बीच में एक मोटर होती है, गोल गोल उसमें पंखुड़ी कसी हुई होती हैं। तो गोल जो हिस्सा होता है जहाँ पंखुड़ी टच होती हैं, उस पर एक वाइट पेपर ले लीजिए और रेड पेन से अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, जो भी आप चाहते हैं। आप बहुत बड़े डिप्रेशन में हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है आपका, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है। तो सारी प्रॉब्लम लिख दीजिए कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये नाम है, माता का नाम ये है और मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, आज से मेरा भाग्य साथ देने लगे। जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा। और ऑप्शन में एक काम और कर सकते हैं कि व्हाइट पेपर अगर नहीं लेते हैं तो ब्लैक पेपर लेंगे, लेकिन उस पर सिल्वर कलर के पेन से लिखेंगे, समझ गए, या व्हाइट पेपर पर रेड पेन से लिखेंगे। लिखने के बाद उस गोल हिस्से पर टेप कर दीजिए। आप पंखे को चलने दीजिए, जैसे पंखा चलता है वैसे आपका भाग्य खुलता है, आपका काम बनता है। आप देखिए, जादुई तांत्रिक प्रयोग, ऐसा तंत्र आय है, उसकी हवा भी ले रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं, दोनों काम। एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार, ये कहावत सत्य हो जाएगी। और ये पहला पार्ट है पंखे का, अभी दो पार्ट और दूंगा, सेकंड और थर्ड अब दूंगा, प्यार के लिए और स्पेशल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये था आपका भाग्य साथ देने के लिए, आपके व्यापार को और आपके ग्रह क्लेश वगैरह सब इसमें लिख सकते हैं, इससे सब कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरे एक एक तंत्र के तीन तीन पार्ट होंगे अब, ठीक है। पहले भी ये सब पुष्पक विमान हवा में चलता था, सब कुछ ऊपर वायु में होता था। हनुमान जी उड़ के गए, वायुपुत्र पवन पुत्र हवा में गए थे। बहुत बड़ा राज है इसके पीछे, जो आज मैं बता रहा हूँ सिर्फ कॉन्टेक्ट वहीं से है, आपको घुमाने की आवश्यकता नहीं, सीधा डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि उसी से कॉन्टेक्ट है ये सब, वायु से। आप देखिए कैसे चमत्कार होता है, ना अगरबत्ती, ना धूप बत्ती, ना आसन, ना माला, ना जाप, ना अनुष्ठान, ना पीछे मुड़ के देखना, ना आगे मुड़ के देखना। देखिए, लोकेश के साथ बने रहिए, लोकेश पागल आपका है तो है, आपको वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक आप सोचा भी नहीं करते हैं कभी। और हाँ, इस दुनिया के पीछे भी कोई दुनिया होती है, तो आज मैं वाइट मैजिक कर रहा हूँ, ब्लैक मैजिक नहीं। ब्लैक मैजिक से लोग बुरा करते हैं और व्हाइट मैजिक वाले ब्लैक मैजिक को काट करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको सुखमय रास्ता बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और घुमाइए हमारा नंबर, करिए हमसे वो बात जिसका आपको बेहद इंतज़ार था। और हाँ, आपके पास समय नहीं है, समझता हूँ, पता है मुझे आप बहुत बिजी हैं, हालांकि लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी खाने पीने में बिजी हैं। चलिए, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, स्टॉप करता हूँ। ओम नमस्ते।